नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 11 Lite वर्सेस Xiaomi 11 i Hypercharge का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 11 Lite में 6.32 इंच जबकि 11i Hypercharge में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Mi 11 Lite में 2.98 इंच जबकि 11i Hypercharge में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Mi 11 Lite में 0.27 इंच जबकि 11i Hypercharge में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Mi 11 Lite से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 11 Lite में 157 ग्राम जबकि 11i Hypercharge में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Mi 11 Lite से ज्यादा है। Any ideas? तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 11 Lite में 6.55 इंचेस जबकि 11i Hypercharge में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 11 Lite में 85.25% जबकि 11i Hypercharge में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 11 Lite में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11i Hypercharge में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 11 Lite में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 11i Hypercharge की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 11 Lite में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11i Hypercharge की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 11 Lite में Adreno 618 जबकि 11i Hypercharge में Mali G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 11 Lite में Qualcomm Snapdragon 732G और 11i Hypercharge में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Mi 11 Lite में अप टू 512GB जबकि 11i Hypercharge में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Mi 11 Lite में 4250mAh जबकि 11i Hypercharge में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Mi 11 Lite में 3 कलर्स जबकि 11i Hypercharge में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Mi 11 Lite में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 23,719 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11i हाइपरचार्ज की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Mi 11 Lite में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Xiaomi 11i हाइपरचार्ज की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 11i हाइपरचार्ज आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 Pro है, दूसरा Samsung Galaxy M31 Prime है, तीसरा Vivo Y31 2021 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A74 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।